नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बुरी तरीके से फंसते नजर आए। वैसे तो उनका बयान काफी तर्कपूर्ण था। उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर मैं बहस नहीं चाहता बल्कि एक विचारधारा वाली तर्क वितर्क चाहता हूं कि जो लोग समझे वो बात समझ कर सामने आए और बातचीत करने के लिए तैयार हों। अगर आप मुझे तर्क समझा दोगे तो मैं समझने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन कई लोगों ने उन पर ही निशाना साधा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य सवालों के घेरे में हैं। उन पर कई FIR दर्ज हुई। कई लोगों ने उनको जान से मारने तक की धमकी दी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया था रामचरितमानस पर, लोगों की भावनाओं से अगर खिलवाड़ करेंगे, लोगों की भावनाओं को अगर चोट पहुंचाएंगे तो लोग उनको भी यहां पर भला बुरा कहते नजर आएंगे। लेकिन आज की हमारी खास रिपोर्ट इनके विवादित बयानों पर आधारित नहीं बल्कि इनके परिवार पर आधारित है। इनके परिवार के सदस्यों की लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर ये सपा के हिस्सा हैं तो यहाँ पर भाजपा से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से, इनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो कि सांसद हैं, सांसद का पद बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर भारत देश की राजनीति में देखा जाए, क्योंकि पार्षद, विधायक, फिर सांसद, सांसद के बाद कैबिनेट में जगह मिलना, फिर बड़े बड़े पदों को लेकर आगे नाम चर्चाओं में रहना, वहां से एक सिलसिलेवार खेल शुरू हो जाता है राजनीति का। लेकिन आज की अपनी इस खास रिपोर्ट में हम बात करना चाहेंगे इनकी संपत्ति के बारे में। इनकी पत्नी की संपत्ति इनसे ज्यादा है, ये अपने आप में एक अलग ही बहुत बड़ा मसला है। और ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य तो एक आसान सी जिंदगी, एक कह सकते हैं नॉर्मल जिंदगी ही बिताते हैं, भले ही बाहुबली नेताओं की लिस्ट में आते हो, लेकिन इनकी पत्नी के नाम पर जो संपत्ति, रिवॉल्वर और साथ ही साथ गाड़ियों को लेकर जो एक कलेक्शन सामने आया है, वो सब चौंका देने वाला है। तो देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसके माध्यम से आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी कि इनकी संपत्ति कितनी है और इनकी पत्नी के पास कितनी संपत्ति, इनसे जो ज्यादा संपत्ति बताई जा रही है, अगर कितना अंतर है, करोड़ों का अंतर बताया जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर चर्चा में हैं। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों पर नामजद मुकदमा भी दर्ज हुआ था। 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई थी उस मामले पर। उधर तमाम विवाद के बीच समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से उनका प्रमोशन भी कर दिया और पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के चकवड़ गांव के रहने वाले हैं। उनको लेकर लोग तमाम बातें जानना चाहते हैं कि किस तरीके से उनका रहन सहन है, उनकी पत्नी कौन है, तमाम जो जानकारियां सामने आई हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के चकवड़ गांव के रहने वाले हैं, जो कुंडा तहसील में आता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ और MA की डिग्री हासिल करने वाले मौर्य ने साल 1980 में स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स से राजनीति में कदम रखा था। जून 1981 से 1989 तक युवा लोकदल की प्रदेश कार्य समिति में महामंत्री रहे। 80 के दशक में पहली बार जलमऊ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे, जो अब ऊंचाहार सीट के नाम से जाना जाता है। इस चुनाव में मौर्य को मुंह की खानी पड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य साल 1991 से 1995 तक जनता दल में रहे। साल 1993 मायावती जब पहली बार उत्तर प्रदेश की CM बनी तो मौर्य बसपा में शामिल हो गए और साल 1996 में जलमऊ सीट से पहली बार विधायक बने। 2002 में फिर इसी सीट से जीते और मायावती सरकार में मंत्री बने। बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य की ताकत बढ़ गई और एक तरीके से मायावती के बाद नंबर 2 की स्थिति में आ गए। साल 2007 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद मायावती ने मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया। 2009 में कुशीनगर की पडरोना सीट पर उपचुनाव में फिर जीते और अब तक लगातार 3 बार इसी सीट से जीत चुके हैं। साल 2016 में मायावती से खटपट के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा को अलविदा कह दिया और भाजपा में शामिल हो गए। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने, हालांकि 2022 के चुनाव से ठीक पहले BJP का साथ छोड़ दिया और सपा का दामन थाम लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। उन पर कोई कर्ज नहीं। साल 2022 के चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी पर नजर डालें तो स्वामी प्रसाद मौर्य से ज्यादा संपत्ति उनकी पत्नी के पास है। मौर्य ने बताया था कि उनके पास कुल, यहां पर देखा जाए तो संख्या जो है 42,19,000 की चल संपत्ति है, तो पत्नी के पास 54,67,836 की चल संपत्ति है। इसी तरह मौर्य के पास यहां पर 1,52,20,500 की अचल संपत्ति और उनकी पत्नी के पास 1,67,00,000 की अचल संपत्ति है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास खुद की अपनी कोई गाड़ी नहीं है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर एक फॉर्चुनर है। मौर्य की पत्नी के पास करीब 7,50,000 के सोने गहने हैं, जबकि खुद मौर्य के पास यहाँ पर करीब 30,000 की ज्वेलरी बताई जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पत्नी दोनों हथियारों के शौकीन हैं। पति पत्नी दोनों के नाम पर कुल 4 हथियार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य
के पास एक रिवॉल्वर और एक राइफल है तो उनकी पत्नी के नाम पर भी एक रिवॉल्वर और एक राइफल है। स्वामी प्रसाद मौर्या के पास पैतृक गांव चकवड़ में संपत्ति है, जबकि लखनऊ के गोमती नगर में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग और गाजियाबाद में भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। उनकी पत्नी के नाम पर महाराजा गंज व ऊंचाहार में प्रॉपर्टीज है। तो ऐसे में रामचरित मानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अपने इन सब तमाम कामों को लेकर चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर इनकी पत्नी की संपत्ति की सारी जानकारी और साथ ही साथ इनके बारे में यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में जानकारी दी गई। कुछ इंटरेस्टिंग बातें निकलकर सामने आई। बसपा से भाजपा, भाजपा से सपा में शामिल हुआ ये नेता, लेकिन जब बसपा में थे और जब भाजपा में थे तब इन्होंने रामचरित मानस का मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन जब सपा में आए तब ये मुद्दा उठाया। कई लोग तो ये कह रहे हैं यानी कई नेता तो ये कह रहे हैं कि भाजपा वालों ने इन्हें सिखा कर भेजा है कि जाओ सपा में रहकर ऐसे बयान दो और सपा की धज्जियां उड़ा दो। क्योंकि जब बात आती है हिंदू के मुद्दे की, हिंदुत्व के मुद्दे की, खासकर रामचरित मानस की, जिसको पढ़ा जाता है लगभग हर सुबह, जो भारत का हिंदू है वो इस रामचरित मानस की पूजा अर्चना करता है लगभग हर हिंदू, तो ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, निशान है। लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर विवादित बयान दिया, एक पंक्ति को हटाने को लेकर, वो अपने आप में चर्चा का विषय था। खैर, इनकी बेटी के पास रुक किया गया, सांसद हैं तो जरूर अपनी बात रखती नजर आए। इन पर भी सवाल खड़े किए गए थे कि क्या इनकी सोच भी इनके पिता की तरह है। तो अगले ही दिन इन्होंने कुछ ऐसी फोटोज और वीडियो जारी करके ये जता दिया कि वो तो राम भक्त हैं। और शिवपाल और अखिलेश ने भी यही बात कही थी कि हम भी राम और कृष्ण को मानते हैं। अयोध्या की बात करते हैं हम राम जन्मभूमि के साथ साथ कृष्ण जन्मभूमि की भी बात करते हैं, तो हम भगवान को मानने वालों में हैं। हम इस बयान पर सहमति नहीं जताते क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिया गया ये बयान, ये उनका व्यक्तिगत बयान था, तो यहाँ पर अपनी बात रखते नजर आए। लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं जारी रही, इन चर्चाओं के बाजार में ये बातें भी गर्म रही कि संघमित्रा का क्या बयान था। संघमित्रा ने साफ कहा कि मेरे पिता ने जो भी बयान दिया वो बहस के योग्य बयान नहीं बल्कि तर्क वितर्क करने योग्य बयान है। उससे पता चलेगा कि कितने लोग इस बात से सहमत हैं और कितने लोग इस बात से असहमत हैं, क्योंकि कई लोगों को इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं है कि आखिर किस छंद के बारे में रामायण के उस किस छंद के बारे में चर्चा हो रही है, शूद्र का मामला कहां से आ गया, ब्राह्मण का मामला कहां से आ गया, तो ये सब लगातार चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच परिवार को लेकर भी जानकारी यहां पर सामने आई थी, तो आप सभी तक बताना जरूरी समझा। और जो जानकारी है ये अपने आप में दिलचस्प, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य की छवि को ही दर्शाता है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य किसी एक पार्टी के होकर नहीं रहे, वो आज हिंदू के मुद्दों के लेकर यहाँ पर बातें उठा रहे हैं, कुछ छंद को लेकर बातें कर रहे हैं, और ये इनके मुंह से सुनना शायद लोग यहाँ पर पसंद नहीं कर रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर अपनी बात रखी थी कि हम समझाएंगे भी उस नेता को जो समझना चाहेगा, जो हमारी भावनाओं को समझेगा, हम उन नेताओं को नहीं समझाएंगे जो अराजकता फैलाता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें रखते नजर आए थे सीएम योगी आदित्यनाथ भी। तो इस तरीके से यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान अभी भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मोहन भागवत का बयान भी अभी हाल ही में सामने आया, वो भी चर्चाओं का विषय है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से देखते हैं आने वाले चुनावों में किसको कितना असर पड़ता है। भाजपा ने जिस तरीके से इस बयान को टैकल किया, जिस तरीके से इन बयानों का सामना करते हुए अपनी बात रखी, ये भी अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प था। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की हम चर्चा कर ही रहे हैं तो सपा पार्टी के नेताओं की भी बात चल रही है कि सपा के नेता इसको किस तरीके से देख रहे हैं। बता दिया गया कि सपा के नेता इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन बयानों से हट रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए सपा नेता क्या बड़े कदम उठाते हैं देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। उम्मीद करते जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।